सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों ने मैनपुरी में भी अग्निपथ योजना का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन कर छात्रों ने डीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम को भेंट किया। छात्रों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बावजूद पुलिस ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की। पुलिस की कार्रवाई से छात्रों में उबाल है। करहल रोड स्थित चित्रगुप्त महाविद्यालय में अन्य जिलों की तरह छात्रों ने अग्निपथ योजना को छात्रों के साथ क्रूर मजाक बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए सांकेतिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद पुलिस ने मारपीट कर छात्रों से जमकर बदसलूकी की, जिससे छात्रों में खासा असंतोष है। बाद में छात्रों ने डीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम को भेंट किया। ज्ञापन में कहा कि केंद्र सरकार पहले से प्रस्तावित जो भर्तियां हैं उन्हें पहले पूर्ण कराए। वहीं छात्रों ने अधिकारियों के साथ मिलकर राष्ट्रगान गाया और इंडियन आर्मी भारत माता की जय जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही एडीएम रामजी मिश्र ने छात्रों के साथ हुई अभद्रता और मारपीट की घटना को नकारा है। सूचना प्राप्त हुई बच्चे अपना ज्ञापन देना चाह रहे हैं, आके ज्ञापन ले लिया गया इनका और इनके जो इश्यू पहले से रेस हो रहे हैं वो सारे मुद्दे संज्ञान में हैं। सर इसमें कुछ छात्रों को जो लड़के युवा आए थे उनके ऊपर मारपीट पुलिस ने की है? ऐसा कुछ बच्चे दे रहे हैं, समझाया जा रहा है, ले लिया जा रहा है। क्या हुआ यहाँ पे आज तुम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे क्यों हुए हो? हम सिर्फ इसलिए इकट्ठे होके हम मतलब अपना ज्ञापन देने जा रहे थे भर्ती के बारे में, जो टीओडी है उसके मतलब कि ये वापस ली जाए और मतलब पुरानी भर्ती बहाल की जाए। इसके लिए और कोई उपद्रव करने के ऐसा कुछ नहीं था हमारे लोगों का प्लान, इसीलिए हम खड़े रहे। जबकि गाड़ी आई तो हम लोग भागे और बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता था हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है, हमें तो बताना ही है, ये हमारी मांगे हमारी पूरी हो जाए और कुछ नहीं, मेरा इरादा था बस इतना ही था बस। तुम्हारे साथ मारपीट किसने की? एक दो थप्पड़ मार दिए। किसने? थे स्टाफ में। कौन स्टाफ में? क्यों मतलब खुल के बताओ ना कौन था? अब वो इधर पता नहीं किधर है। पुलिसकर्मी थे या कोई और था? पुलिसकर्मी थे। उन्होंने आपको थप्पड़ मारे? हाँ एक थप्पड़ मार दिया।